Now next question. Question says, uh इन अ सिंपल Atwood मशीन टू unequal masses m1 and एंड are connected आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ क्लाइम्ड लाइट पुल इन अ टिपिकल अरेंजमेंट एम जो है अपना 300 ग्राम दिया हुआ है m2 टू अपने को सिक्स हंड्रेड ग्राम दिया हुआ है द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट हमें बताना है पहला पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट टू सेकेंड्स दूसरा है हमें बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग तीसरा है फोर्स एक्साइटेड बाय अ क्लैम्प ऑन द पुली नाउ अगेन एटवुड मशीन का सिंपल सवाल है सो so, ये अपना सिनेरियो है यह आपका मास एम वन या आपका मास एम टू और दोनों को सेम लेवल पे बना लेते हैं यह आपका मास एम टू और इसने आ, हमने इसको ऐसे आ, किया हुआ जहाँ पर पुली आपकी मास लेस है फ्रिक्शन लेस है स्ट्रिंग आपकी इनएक्सेंसीबल है मास लेस है और इसको आपने यहाँ पर रिलीज कर दिया ना इसके फॉर्मूले हमें पता है डिराइव करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आ, अपना जो एक्सलेशन होता है उसको हम लिखते हैं एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू जी और uh, M1 M2 एम टू यहाँ पर यह दिया हुआ है एम है आपका 600 ग्राम और M2 है आपका 300 ग्राम ठीक है so, सो इससे आपका जो एक्सेशन है वो आ जाएगा आ, 300 अच्छा यहाँ पे मैं जानबूझ के इसका आ, M1 M2 ग्राम में ही ले रहे हैं बिकॉज दोनों ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएंगे सो so, जा, एक्सेलेसन में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो आएगा सिक्स हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय जी ऊपर बचेगा ऊपर बनेगा 300 हंड्रेड डिवाइडेड बाय 900 सो so ये हो गया आपका जी बाय थ्री तो ये तो अपना एक्सलेशन आ गया नाउ नाइट ये एक्सलेशन आ गया तो पहला पार्ट ये है कि दो सेकेंड में हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस uh, इन टू सेकेंड्स तो आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ दो सेकेंड में तो उसके लिए uh, आप यूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस की वैल्यू हमें बतानी है यू हम जीरो मान सकते हैं रेस से चालू हो रहा है हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया आपका जी बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू स्क्वायर तो ये हो गया आपका टू बाय थ्री जी जी की वैल्यू अगर हम नाइन पॉइंट एट रख दें तो ये आपका बन जाएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री नाउ इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी दिस विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 6.5 पॉइंट मीटर इतना डिस्टेंस आपका आ, दो सेकेंड में कवर हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट ये हमें बताना है टेंशन क्या होगी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सो so, जो आपकी टेंशन है उसको हम लिखते हैं टू आइस एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू जी नाउ यहाँ पे हम कोर्स इक्वेशन लिख के भी कर सकते हैं बट क्योंकि हम अब सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने थोड़ी वीडियो देख हैं सो ये डायरेक्ट फॉर्मुले हम भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम हॉल में आपको याद रहने चाहिए ठीक है सो ये हो गया टू मल्टीप्लाइड बाय नाओ इस में हमें एम वन एम टू को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होएगा सो so, आ गया ज़ीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय ये आ गया ज़ीरो पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री जी हालांकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो नीचे बना आपका पॉइंट नाइन और ये पॉइंट थ्री है तो इससे क्या कैंसिल होकर नीचे बनेगा आपका थ्री तो ये हो गया टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट टू जी सो ये जो वैल्यू आ गई सो ये आ गया आपका जीरो पॉइंट फोर जी ना इसको जब सॉल्व करेंगे सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री पॉइंट नाइन टू न्यूटन ये आपकी टेंशन हो जाएगी ना थर्ड पार्ट जो है वो हमसे पूछा है फाइंड द फोर्स एग्जाइटेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली तो हमें बताना है यहाँ पे पुली और इसके बीच में uh, कितना फोर्स हो रहा होगा टी डैश तो इसको एफ अगर बनाते हैं तो इसको लिखते हैं टी डैश विल भी इक्वल टू टाइस टी इसको बस हमें टू से मल्टीप्लाई कर देना है टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट नाइन टू सो दिस विल बी इक्वल टू फोर एट सेवन सेवन पॉइंट एट फोर न्यूटन ये आपकी फोर्स uh, की वैल्यू हो जाएगी